हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे एन सी आर टी क्लास थ्री ई वी एस का लेसन नंबर फाइव छोटूज हाउस सो लेट एस स्टार्ट छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम छोटू जो है मुंबई पहली बार आया है इन द फर्स्ट पिक्चर एस वी सी छोटू इज न्यू इन द सिटी एंड ही इज़ लुकिंग अराउंड देर आर कार्स गोइंग ऑन द रोड देर आर अदर पीपल ऑल्सो इन द नेक्स्ट पिक्चर इट स्टार्ट ट्रेनिंग एंड छोटू कवर्स हिमसेल्फ विद द क्लोथ इन अ कॉर्नर छोटू शहर में रहा है और वो अपने आसपास सभी चीज़ों को देख रहा है नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है और उसके पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं होती जिसकी वजह से वह अपने आप को एक कपड़े से कवर करके कॉर्नर में बैठ जाता है इन द नेक्स्ट पिक्चर ही सॉ बिग पाइप अ सीवर पाइप सो ही डिसाइडेड टू स्टे इन द पाइप इन द नेक्स्ट पिक्चर as we see, he made a little home in the pipe, stove in the right side for cooking, tied a rope for drying his clothes, etc. अगली पिक्चर में जैसे कि हम देखते हैं छोटू ने एक बहुत बड़ा पाइप देखा जो कि एक सीवर पाइप था तो उसने सोचा मैं इसी में रुक जाता हूँ उसके बाद उसने उसी पाइप में अपना एक छोटा सा घर बना लिया जिसमें एक तरफ उसने स्टोव रखा जिसमें कि वो खाना बना सके कपड़े सुखाने के लिए एक रस्सी भी बांध ली और एक ड्रम रखा जिससे कि वो पानी स्टोर करे और पी सके आफ्टर फ्यू डेज वेन ही सॉ अ बॉय लाइक हिम हार्ड कम टू मुंबई एंड ही डज नॉट हैव हिज होम छोटू इन्वाइटेड द बॉय टू स्टे विद हिम कुछ दिन बाद छोटू ने देखा कि उसी की तरह एक लड़का मुंबई में आया है जो कि वहाँ नया है और उसके पास भी रहने के लिए कोई घर नहीं है तो छोटू ने उसको अपने साथ अपने घर में रहने के लिए यानी कि उस पाइप में रहने के लिए इनवाइट कर लिया स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग अब हमें पिक्चर्स को देख के आंसर करना है क्वेश्चन नंबर वन इज वॉट डिड छोटू थिंक वन ही लुक एट द पाइप छोटू ने पाइप को देख के क्या सोचा छोटू थाट दैट ही कुड लिव इन दैट पाइप पाइप कुट सेव हिम फ्राम स्ट्रॉन्ग विंड्स रेन एंड कोल्ड छोटू ने सोचा वो उस पाइप में रह सकता है ये पाइप उसको बारिश तूफान ठंड से बचा सकता है क्वेश्चन नंबर टू इज हाउ डिड छोटू यूज द पाइप छोटू ने उस पाइप का कैसे इस्तेमाल किया छोटू मेड दट पाइप हिज होम टू लिव इन छोटू ने उस पाइप को अपना घर बना लिया जिसमें कि वो रह सके क्वेश्चन नंबर थ्री इज़ इंटू विच पार्ट्स डेट छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट सराउंडिंग एरिया छोटू ने पाइप को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया आंसर इज़ छोटू डिवाइडेड द पाइप एंड इट सराउंडिंग एरियाज इंटू स्लीपिंग कुकिंग एंड लिविंग एरियाज छोटू ने पाइप को सोने के लिए खाना बनाने के लिए और लिविंग एरिया के उसमें डिवाइड किया क्वेश्चन नंबर फोर इज़ इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिस टाइम इस हाउस के कौन से पार्ट में छोटू अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करना पसंद करता था एंड द आंसर इज छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ इज टाइम इन द लिविंग एरिया जस्ट आउटसाइड द पाइप मतलब छोटू अपना ज़्यादातर समय लिविंग एरिया जो कि पाइप के जस्ट साइड में उसने बनाया हुआ था वहाँ पे स्पेंड करना पसंद करता था क्वेश्चन नंबर फाइव इज़ वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन दिस पाइप आपको क्या लगता है कि छोटू ने मोनू को उस पाइप में रहने के लिए क्यों इन्वाइट किया आंसर इज़ मोनू इज़ न्यू टू मुंबई एंड हैड नो प्लेस टू लिव सो छोटू इन्वाइटेड हिम टू स्टे विथ हिम मोनू जो है शहर में नया था उसी की तरह तो उसके पास भी रहने के लिए कोई जगह नहीं थी तो उसने उसको अपने साथ पाइप में रहने के लिए बुला लिया वाई डू वी नीड अ हाउस हमें हाउस की ज़रूरत क्यों पड़ती है हाउस प्रोटेक्टस फ्रॉम हीट रेन कोल्ड एनिमल्स एंड थीव्स हाउस जो है हमें बारिश ठंड एनिमल चोर इन सब चीजों से बचाता है हाउस वर्सेस होम हाउस और होम में क्या डिफरेंस है वेन डज अस बिकम अ होम एक हाउस होम कब बनता है अ हाउस बिकम्स अ होम वेन ऑल द फैमिली मेम्बर्स लिव टूगेदर लव इच अदर एंड हेल्प ईच अदर एक हाउस होम तब बनता है जब सारे फैमिली मेंबर्स मिलके इकट्ठा रहते हैं एक दूसरे को प्यार करते हैं और दूसरे की मदद करते हैं लेट अस सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस लेट अस सी वन बाय वन द फर्स्ट वन इज हट नेक्स्ट इज टेंट हाउस नेक्स्ट इज कॉटेज नेक्स्ट इज अपार्टमेंट next is an igloo, next is a houseboat. जैसे ही आपने अलग अलग तरीके के हाउसेज देखे इनको हम मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस दिस इज अ कच्चा हाउस एंड दिस इज अ पक्का हाउस नाउ वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कच्चा हाउस एंड अ पक्का हाउस अब इन दोनों हाउसेज में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं कच्चा हाउस इज अप ऑफ स्ट्रॉ लीव स्टिक मड एंड ग्रास जो कच्चा हाउस है वो स्ट्रॉ लीव स्टिक मड यानी मिट्टी ग्रास इन सबसे मिलकर बनता है इट इज़ वीक वो थोड़ा कमज़ोर होता है इट हैज़ ओनली वन स्टोरी मतलब वो एक ही फ्लोर का होता है एंड द पक्का हाउस इट इज़ अप ऑफ ब्रिक्स सीमेंट ग्रावल एंड सैंड इट इज़ स्ट्रोंगर देन कच्चा हाउस इट कैन बी मल्टी स्टोरी और जो पक्का हाउस होता है वो ब्रेक यानी कि ईट सीमेंट इन सब से मिलकर बनता है और वो कच्चे हाउस से मजबूत होता है और इसमें काफ़ी सारे फ्लोर्स भी हो सकते हैं नाउ वी विल सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउस एक ही हाउस में जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं अब हम उनको एक एक करके देखते हैं दिस इज़ लिविंग रूम और लिविंग एरिया यहाँ पे घर के सभी सदस्य एक साथ मिलकर बैठते हैं बातें करते हैं या घर में कोई गेस्ट आता है तो हम उसे भी मोस्टली लिविंग रूम में ही बिठाते हैं दिस इज़ बेडरूम जहाँ पे हम रात को सोते हैं दिस इज़ किचन जहाँ पे हमारा खाना बनता है दिस इज़ स्टडी रूम जहाँ पे हम पढ़ाई या अपना इम्पोर्टेंट बाकी कोई काम करते हैं एंड दिस इज बाथरूम एंड दिस इज टॉयलेट दिस इज गेस्ट रूम जो की कुछ घरों में होता है जहाँ पे कि हम अपने मेहमानों को ठहरा सकते हैं अब हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन इज ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन यर नोट बुक एंड कलर इट आपको नोटबुक में अपने हाउस की एक पिक्चर बनानी है और उसको सुंदर सा कलर करना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑल लिव विद यू इन योर हाउस आपके घर में आपके साथ और कौन कौन रहता है अब हम ये एक एक करके फिल करना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इज़ फादर मदर ब्रदर सिस्टर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर इसके अलावा और कोई मेम्बर भी आपके साथ रहता है तो आप उसका नेम भी फिल कर सकते हैं नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन छोटू डिवाइडेड द पाइप इन टू तो डिफरेंट पार्ट्स राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर हाउस सो इन दिस हमें अपने घर के डिफरेंट पार्ट्स के नाम लिखने हैं फर्स्ट इज बेडरूम लिविंग रूम बाथरूम किचन टॉयलेट स्टडी रूम गेस्ट रूम सो इस तरीके से हम अपने घर के अलग अलग रूम्स के नाम या पार्ट्स के नाम लिख सकते हैं सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस आप एक दिन में घर के एक पार्ट में कितना टाइम स्पेंड करते हैं चलिए इसका आंसर देखते हैं स्टडी रूम टू टू थ्री आवर्स बेडरूम एट टू नाइन आवर्स लिविंग रूम टू टू थ्री आवर्स किचन हाफ एन आवर बाथरूम वन आवर आपका आंसर इससे थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है जिस तरीके से आप टाइम स्पेंड करते हैं आप उस तरीके से लिख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज़ देर इंग एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वे वन पर्टिकुलर मेम्बर ऑफ योर फैमिली स्पेंड्स मोर टाइम क्या आपके घर में कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपका एक फैमिली मेम्बर ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता है सो द आंसर इज यस मदर स्पेंड्स मोर टाइम इन किचन मोस्टली मदर्स टाइम किचन में थोड़ा ज्यादा स्पेंड करती हैं इसलिए मैंने ये आंसर लिखा है आप अपने अकॉर्डिंग आंसर चेंज भी कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज़ देर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर आ पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर नेवर गोज़ और गोज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम क्या आपके घर में कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पर कोई फैमिली मेम्बर बहुत कम या फिर नहीं जाता येस फादर गोज़ इन द किचन ओनली फॉर शॉर्ट टाइम जो फादर होते हैं वो बाकी चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा बिजी होते हैं इसलिए वो किचन में ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते लेकिन जब भी जरूरत हो हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए यू मस्ट हैव सीन दैट some animals also live with us in our houses some of these animals live with us because we want them to while some are there uninvited आपने देखा होगा कि हमारे घर में हमारे साथ कुछ एनिमल्स भी रहते हैं जिसमें से कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम रखते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अनइनवाइटेड होते हैं यानी कि जिन्हें हम नहीं बुलाते हैं, बट वो फिर भी हमारे साथ रहते हैं क्या आप सोच सकते हैं ये कौन कौन से एनिमल्स हैं फर्स्ट तो जो है जिन्हें हम खुद रखते हैं यानी कि हमारे पेट्स पालतू जानवर जैसे कि कैट डॉग पैरेट रैबिट एक्सेट्रा एंड सम आर अन इनवाइटेड एनिमल्स यानी जिन्हें हम नहीं रखना चाहते लेकिन वो फिर भी रहते हैं लाइक लिज़र्ड, स्पाइडर कॉकरोच मॉस्किटो सो वी कॉल देम अन इनवाइटेड एनिमल्स इन द नेक्स्ट पेज देर इज अ पोएम होम स्वीट होम सो लेटेस्ट रीड द पोएम यू ऑलवेज टेल मी मदर the house belongs only to us but how do i believe that mother when i know it belongs to many more look mother how these mice are all playing catch catch and look how these mosquitoes fly and how peaceful lies the happy spider इस पोएम में बच्चा अपनी मदर से कहता है मदर आप हमेशा मुझसे कहती हो कि ये घर हमारा है सिर्फ हमारा लेकिन मैं इस बात पे कैसे बिलीव करूँ क्योंकि मुझे पता है इस घर में हमारे साथ और भी बहुत लोग रहते हैं जैसे कि हाउ दिस माइज़ आर ऑल प्लेइंग कैचअप कैचअप ये माइज़ कैसे कैचअप कैचअप खेल रहे हैं ये कैसे मॉस्किटोज उड़ रहे हैं और ये स्पाइडर कितनी पीसफुली वहाँ पे बैठा हुआ है एंड लुक मदर एट लेजी लिजार्ट हाउ स्लोली इट क्रॉल्स टू एंड फ्रो एंड लुक इट सो मेनी ब्लैक एंड्स ऑल मार्चिंग इन अ रो एंड लुक आउटसाइड इन द कॉट यार्ड द बर्ड्स आर ऑल पैकिंग अबाउट जस्ट लाइक वेन माई सिस्टर ए नायक समटाइम्स वाइट क्वेरल एंड शाउट वो कहते हैं मदर उस लेजी लिजार्ड यानी कि आलसी छिपकली को देखो वो कितनी धीरे धीरे क्रॉल कर रही है और इतनी सारी काली चीटियाँ जो कि रो में मार्चिंग कर रही हैं एंड लुक आउटसाइड बाहर देखिए जो बर्ड्स हैं वो पैक कर रही हैं जैसे मैं और मेरी सिस्टर आपस में लड़ते थे झगड़ते थे और चिल्लाते थे that is why i say dear mother don't think this house is only ours it is dear to us and all who live here and have been living for many years easily dear mother this house sir famaraniya sab is a un sabi kahaj joy is house hot saloosie rereh let's move to the next page question is draw pictures of any two animals that live in our house uninvited टाइप द नेम्स बिलो द पिक्चर्स यहाँ आपको कोई सी दो एनिमल्स की पिक्चर बनानी है जो कि हमारे घर में अन इन्वाइटेड होते हैं जैसे कि अभी हमने पीछे पड़े लाइक लिजर्ट स्पाइडर मॉस्किटो फ्लाई आप उनमें से कोई भी दो यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं एंड आपको उनके नाम भी लिखने हैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डू यू कीप यर हाउस क्लीन हाउ क्या आप अपने हाउस को साफ रखते हैं कैसे the answer is by dusting the objects kept in our house next by cleaning house with the help of broomsticks by keeping all the objects at their respective place hum ghar ki hum ghar mein jo bhi saman hai uski dusting karte hain झाड़ू लगाते हैं और सामान को अपनी अपनी जगहों पर रखते हैं Next question is who all help. टू कीप योर हाउस क्लीन आपको आपके हाउस को क्लीन यानी साफ़ रखने में कौन कौन मदद करता है मदर सिस्टर एंड ब्रदर हेल्प टू क्लीन द हाउस क्लीन मदर सिस्टर ब्रदर मेरी मदद नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस आप अपने घर के गार्बेज को कहाँ फेंकते हैं वी थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन नेक्स्ट इज इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन क्या आपके घर के आस पास का एरिया क्लीन है डू यू यूज़ अ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस क्या आप घर के आसपास का कोई टॉयलेट यूज़ करते हैं हु क्लीनज इट हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन आपके घर में या आस पास टॉयलेट कौन क्लीन करता है और क्या आप उसको क्लीन रखने में मदद करते हैं नेक्स्ट इज यूज ऑफ टॉयलेट सिमी नोटिस दैट हर फ्रेंड बिल्लू वॉज गेटिंग अनकम्फर्टेबल ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हर सिमी बिल्लू वॉट हैपेंड यू लुक सो डल सिमी नोटिस करती है जो कि उसका फ्रेंड बिल्लू है वो बहुत अनकम्फर्टेबल है वो बहुत बात नहीं कर रहा है उससे तभी वो उससे पूछती है बिल्लू क्या हुआ आप तुम बहुत डर लग रहे हो बिल्लू आई डोंट नो हाउ टू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली हीरा मैम वुड बी ऑन हर राउंड एंड अगेन शी वुड स्कूल मी एज यूजल फॉर नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपर्ली सो बिल्लू उसको बताता है कि मुझे नहीं पता टॉयलेट को प्रॉपर्ली कैसे यूज़ करते हैं हीरा मैम जब भी अपने राउंड पे आएंगी और वो फिर से नोटिस करेंगी और मेरे को हमेशा की तरह डांट पड़ेगी सिमी वाई डोंट यू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली देन देन तुम टॉयलेट को अच्छे से यूज़ क्यों नहीं करते देन बिल्लू आंसर्स बिल्लू आई एम स्केर्ड दैट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट सिमी हाउ स्टूपिड एंड नाउ आई नो इट इज़ यू एंड मेनी ऑफ आयर फ्रेंड्स लाइक यू हु मेक आर टॉयलेट सो डर्टी बाई नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपर्ली डोट बी स्केट बी रिस्पॉन्सिबल बिल्लू उसको बताता है कि मुझे डर लगता है कि मैं कहीं टॉयलेट पिट के अंदर न गिर जाऊँ स्विमिंग भूलती है हाउस टू पिट तो मुझे पता चला कि तुम और कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको टॉयलेट यूज करना नहीं आता जिसकी वजह से टॉयलेट मोस्टली गंदा मिलता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए रिस्पॉन्सिबल यूज़ द टॉयलेट बाई सिटिंग प्रॉपरली Always finish it with water after use. Wash yourself properly. Wash your hands thoroughly. तो अब हम देखते हैं टॉयलेट कैसे यूज़ करना चाहिए जब भी आप टॉयलेट यूज़ करें उस पर अच्छे से बैठें उसको हमेशा फ्लश करें पानी से और अपने आप को भी अच्छे से वॉश करें अपने हैंड्स को भी अच्छे से वॉश करिए। एज़ इट इज़ शोन इन द पिक्चर जैसे कि पिक्चर में दिखाया है हमें अच्छे से टॉयलेट को फ्लश करना चाहिए पानी डालना चाहिए ताकि उसमें कोई भी गंदगी नहीं रहे लीव द टॉयलेट एज क्लीस यू वॉन्टेड फॉर योर सेल्फ जैसा साफ टॉयलेट हम खुद के लिए जाते हैं हमें वैसा ही बाकियों के लिए भी छोड़ना चाहिए डिड यू नो फॉर गांधी जीज वन फिफ्टी पर डे द स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च इट इज़ टू हेल्प एस रियलाइज दैट क्लीननेस इज़ एवरी वन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आपको पता है गांधी जी की वन फिफ्टी बर्थ एनिवर्सरी पे स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया था वो इसलिए था ताकि हम सबको रिलाइज़ किया जा सके कि क्लीननेस जो है ये हम सबकी ड्यूटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्क्राइब द टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल इज़ इट क्लीन हु क्लीनज इट एंड हाउ हाउ डू यू हेल्प इन इट आप अपने स्कूल के टॉयलेट एरिया के बारे में बताइए क्या वो साफ़ है उनको कौन साफ़ करता है कैसे साफ़ करता है और आप उसमें अपनी उनकी मदद कैसे करते हो फ्रॉम नाउ विल यूज़ द टॉयलेट रिस्पॉन्सिबली ही लेफ्ट इट क्लीन आफ्टर इट्स यूज एंड वॉश हज़ हैंड्स बिल्लू अब अच्छे से टॉयलेट यूज़ करता है इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं डू यू लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्टेड फॉर योर सेल्फ क्या आप भी टॉयलेट को वैसे ही साफ छोड़ते हैं जैसे आप अपने लिए चाहते हैं एंड लेट द टाइम्स वेन यू वॉश हैंड्स आप अपने हाथ कब कब धोते हैं वेन डू यू थिंक योर हैंड्स के डे डर्टी आपके हाथ कब गंदे होते हैं वेन ऑल डू यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन आपको कब कब अपने आप को साफ करने की ज़रूरत पड़ती है बाथिंग एंड ब्रशिंग टीथ क्लिपिंग द नेल्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज लुक हाउ ब्यूटिफुली लताज हाउस इज डेकोरेटेड लता का हाउस कितने अच्छे से डेकोरेटेड है नेक्स्ट इज देर इन ए स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस वेन एंड हाउ क्या कोई स्पेशल तरीका है जिससे आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं और कब येस वी डेकोरेट आवर हाउस ऑन दिवाली वी डेकोरेट अवर हाउस विद लाइट्स कैंडल्स फ्लावर्स एक्सेट्रा येस दिवाली पे हम सब अपने हाउसेस को अच्छे से डेकोरेट करते हैं लाइट से कैंडल से एंड फ्लाव से नेम द थिंग्स विद विच यू डेकोरेट योर हाउस आपको अपने घर को डेकोरेट करने के लिए किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ती है वी डेकोरेट आवर हाउस विद फ्लावर्स पेंटिंग फ्लावर पॉट्स एंड करिकेचर्स हम फ्लावर्स लीव्स पेंटिंग इन सब का यूज करके अपने हाउस को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं तो यहाँ पे ये यह चैप्टर खत्म होता है आई होप ये चैप्टर आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा अगर फिर भी कोई पार्ट ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग Thank you.